बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो तो आप लोग डालते होंगे हर रोज और लगन के साथ अपने YouTube के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप किस तरीके से अपने चैनल को खुद चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में ये भी दोस्तों हम चेक करेंगे कि आपका चैनल जो है वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, और कौन कौन से पॉइंट है जिसको आप देख कर खुश हो जाएंगे कि हाँ, अगर वो पॉइंट आपके चैनल पे नजर आ रहे हैं तो यकीन जाने आपका चैनल ग्रो कर रहा है, और अगर कौन सा पॉइंट जो है वो वीक है तो किस जगह पे आपने उस वीक पॉइंट को दूर करना है, वो भी आज की वीडियो में जो है वो मैं बताऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं आज की अपनी इस वीडियो की तरफ, और मोबाइल स्क्रीन पे जो है वो मैं आपको लेके जाऊंगा, वहां ही बड़ी डिटेल से जो है वो बताऊंगा। दिस इज अमजीत और आप देख रहे हो मेरा चैनल YouTube मास्टर ट्रेनर। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो काइंडली आपकी सपोर्ट की जरूरत है, या नीचे लाल बटन नजर आ रहा है सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो बेशक डिसलाइक कर दें, और डिसलाइक की वजह आपने लाजमी बताई। तो चलते हैं आज के अपने इस वीडियो की तरफ, मोबाइल स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर एक तो आपने YT स्टूडियो जो है वो डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने YT स्टूडियो डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो यहाँ पर आप जो है YT स्टूडियो लिखोगे, ठीक है, ये वाला YT स्टूडियो जो है वो आप लिखोगे तो मैंने अपडेट नहीं करना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए जो है वो बाद में अपडेट कर लूंगा। तो मैं अपने चलता हूँ YT स्टूडियो की तरफ। यहाँ पर देखिए YT स्टूडियो जो है वो मेरा ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं ओवरव्यू पे जो दोस्तों आपको दिखाता हूँ, आपने अपने मोबाइल पे जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बड़े ही गौर से सुननी है और उस पर आपने नजर मारनी है। देखिए सबसे पहले ओवरव्यू में मेरे पास क्या आ रहा है, ओवरव्यू पे सबसे पहले मेरे पास आते हैं व्यूज। अब देखिए मेरा जो व्यूज है वो उसका जो एरो आपको नजर आ रहा है वो ग्रीन है। ग्रीन से मुराद ये होता है कि आपका चैनल जो है वो ग्रो कर रहा है। वो कितने परसेंट ग्रो कर रहा है, लास्ट 28 डेज से मुकाबले में, जो इस 28 डेज जो मेरा मंथ है उसके मुकाबले में 161% जो है वो बढ़ रहा है। यानी इसका मतलब है कि मेरे व्यूज जो हैं 161% जो है वो बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है कि मेरे व्यूज जो है वो अगले 28 दिन में भी अच्छे आएंगे। उसके बाद वॉच टाइम पे भी देखें, 235% मेरा वॉच टाइम बढ़ा है, यानी 28 डेज के निस्बत इस मंथ में, तो इसका मतलब है ये भी बड़ा अच्छा साइन है जिसमें आपके 28 में जो है वो 235% जो है वो वॉच टाइम बढ़ा। इसी तरह सब्सक्राइबर भी देखें, मेरा 47% जो है वो बढ़ा है, लेकिन मैं इसको 100% पे लेके जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे वर्क करना होगा, और वर्क करने के लिए कुछ वीडियोज में कुछ और जो है वो बेहतर करने की कोशिश करूंगा। अब देखें सेकेंड ऑप्शन मेरा कंटेंट है, कंटेंट कहते हैं जहां पर आप अपनी वीडियो डालते हो, ठीक है ना। अब वीडियो जो है वो डालते हो, यहां पर मैं सबसे पहले इसको ले जाता हूं पहले ऑप्शन की तरफ, तो देखें कंटेंट में हमारे पास व्यूज ही आ गए। इंप्रेशन की बात करें, व्यूज जो है वो मैंने बता दिया 184% मेरी वीडियोस के जो है वो व्यूज पड़े हैं। अब देखें यहाँ पर इंप्रेशन जो है वो आपकी वीडियो का बहुत अहम और जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर तो आपका इंप्रेशन जो है, देखें अगर जो ये एरो है ग्रीन, अगर नीचे होगा रेड नीचे होगा तो फिर रेड की तरफ इशारा करता है, अगर ऊपर है तो ग्रीन है, और 98% यानी इंप्रेशन जो है वो पढ़ रहे हैं, यानी मेरी वीडियो जो है वो 49,000 लोगों के पास जा रही है और इंप्रेशन जो है वो बढ़ ही रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है। और यहाँ पर देखिए CTR जो है, अगर तो आपका 1% 2% 3% है तो फिर आपने अपने CTR पे काम करना है। CTR पे मैंने जो है वो वीडियो बनाई हुई है किस तरीके से आपने अपना CTR इंक्रीज करना है, वो मुकम्मल देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। तो 5.7% मेरा CTR है, लेकिन मैं इसकी कोशिश करूँगा 10 तक ले जाने की। और उसके बाद आ जाता है देखें एवरेज व्यू ड्यूरेशन, अगर तो व्यू ड्यूरेशन जो है मोस्टली एवरेज यही निकलती है 2.2 या इस तरह करके, लेकिन 1.56 तक है, तो इसका मतलब है कि फिर भी ये कदरे बेहतर है। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑडियंस के हवाले से। देखिए ऑडियंस में हमारे पास ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट है जो कि आप लोग नहीं समझते। देखिए रिटर्निंग व्यूअर्स जो है वो 71 हैं, यानी जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, ये वो यूज़र हैं जो वापस एक दफ़ा मेरी वीडियोस को देखते हैं तो फिर वापस आके मेरे चैनल पर जो है ये वीडियो देखते हैं, लेकिन मुझे सब्सक्राइब जो है इन्होंने नहीं किया हुआ। इसी तरह न्यू व्यूअर जो है वो भी आ रहे हैं, देखिए इनका 140 से रेशो जो है वो ऊपर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर यूनिक जो व्यूअर्स है
इस चीज को समझने की बड़ी अहम जरूरत है कि अगर आपकी वीडियो में जो है कंटेंट में जान है और अगर नहीं है तो आप ये समझ लें यूनिक व्यूवर्स तो अगर आपके देखे 136% बढ़ रहा है। अब मेरे 24,000 यूनिक व्यूवर्स है जहां पर मेरी वीडियो जाती है और लोग वहां पर क्लिक करते हैं, तो इट मींस इन 24,000 जो ये जो व्यूज आ रहे हैं 2.4K यानी 2,000 लोग हैं, तो यहाँ पर ये जो 2.4K जो मेरी यूनिक व्यूवर्स है इसकी तरफ जो मेरी वीडियो जो जाती है और ये लोग देखते हैं लेकिन इन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी वीडियो जो है वो जा रही होती है। अब नीचे देखें यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होता है व्हेन योर व्यूवर्स आर ऑन यूट्यूब, तो यहाँ पर देखें जो सबसे ज़्यादा डार्क नज़र आएगा वहाँ पर आपके जो व्यूवर्स हैं उस टाइम बैठते हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं वो 12 से 6 बजे के दरमियान जो है वो मेरा टाइम निकलता है तो इस टाइम देखते हैं, और यहाँ पर देखें एज आपका शो हो रहा है कि आपकी जो यूज़र हैं वो कितने एज के हैं, उसके बाद जेंडर, और उसके बाद यहाँ पर जो जियोग्राफिकल है वो पाकिस्तान और इंडिया से, इट मीन्स मेरा 81% जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं और 4.7% जो लोग हैं वो इंडियन है, तो यानी एशियन कंट्री को जो है वो मैं टारगेटिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए सब्सक्राइबर है, तो सब्सक्राइबर की बात करें तो 47% जो है वो मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज जो है वो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपने अपना खुद एनालाइज कर देना है अपने चैनल को, अगर ग्रीन पे जा रहे हैं तो फिर आपको परेशान लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करें और दिन ब दिन जो है वो अच्छा करने की जो है वो कोशिश करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।